हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सोनी मैम, मैथ क्लास के साथ। बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग हेल्दी एंड सेफ होंगे। बच्चों ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहिए और सोनी मैम के साथ बने रहिए। मैथ क्लास में आज हम लोग राइट ऑफ फिगर्स यानी कि अंकों में लिखना सीखेंगे। राइट इन फिगर यानी कि अंकों में लिखिए या अंकों में लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है 100 एंड 25। अब आपको इसे अंकों में लिखना है। अंकों में कैसे लिखेंगे? ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 लिखना है। क्या करना है आपको? 100 लिखना है। आप फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? 25। अब आपको क्या करना है, 100 and 25 को ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे? देखिए, 100 + 25। जीरो से प्लस करिए 5 को तो कितना आएगा? 5। जीरो में 2 को ऐड करिए कितना आएगा? 2। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ऊपर में क्या है? 1। तो हमारे पास क्या आ गया? 125। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे? 125। आइए एक क्वेश्चन और देखा जाए। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 200। क्या लिखेंगे? 200। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 36। अब हम क्या करेंगे, 200 and 36 को क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। 200 + 36। जीरो में 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 6। जीरो में 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 3। अब हमारे पास क्या बचा? 2। तो हम 2 को क्या करेंगे? सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास आंसर क्या आया? 236। हम इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ 236। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए 449। आपको क्या करना है इसको? सेम जैसे आपने ऊपर किया है सेम आपको वैसे ही नीचे करना है। क्या है सबसे पहले? 400। तो आप कैसे लिखो, कैसे लिखोगे? 400। उसके बाद क्या है? 49। आप क्या लिखोगे? 49। अब क्या करोगे आप? 449 को ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे? जीरो में 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 4। अब हमारे पास क्या बचा? 4। हमारा आंसर क्या आ गया? 449। तो अब हम क्या लिखेंगे? 449। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। लोगों को राइट इन फिगर पेज नंबर 130 सॉल्व करना है अपनी बुक में। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।